भगवान का विवाह किसके साथ होता है? प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ है। कि भीष्म के हुए नृपाल धर्म के साथ चले अनुगामी, और राजन में सिर मान रह के कुंडनपुर में है, जिसको कुंडनपुर में हम आज आप उसको क्या कहते हैं, उदरकोट जो जिला इटावा में पड़ता है, यही के महाराज भीष्मक रहने वाले बताए गए। भीष्मक के पांच पुत्र हैं, एक पुत्री है। पांच पुत्रों के नाम है रुक्मी, रुक्मबाव, रुक्मकेश, रुक्ममाली, रुक्मवीर, और एक बेटी रुक्मणी जो आदि शक्तिपुर जन्म मां सीता जी की। अरे एक बिट्टी अच्छी बोली रे भारी, अरे बड़े लाड प्यार से पाली, ओ में चंद्र की उजाली उजाली और और सज्जन प्रवृत्ति के राजा थे, जिनकी एक कन्या थी जिसका नाम रुक्मिणी रखा गया। जब रुक्मिणी जी जन्म लेकर के आती हैं, तो इनके कुछ बचपन के ही जो कार थे वो कुछ अलग तरीके के ही थे। सहेलियों में खेलती हैं, आंख में छोनी का खेल खेलती, कहीं छुपती तो कहीं प्रकट हो जाती है। कभी गुड़िया और गुड्डा का खेल खेलती हैं, वो भी भांति भांति की तरह अपनी लीला दिखाती है। सखियों में सबसे प्रिय थी रुक्मिणी जी। एक दिन की बात है, नारद याद ऋषि प्रभात फेरी करते हुए जा रहे थे, भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन होते हुए जा रहा था कि हरे राम हरे राम और राम राम हरे हरे। सभी लोग इस 16 अक्षर के सुंदर मंत्र का जाप करेंगे, हरे राम हरे राम।
ऐसे रुकमणी ने देखा, वो छवि भगवान की हृदय में बस गई। वही प्रतिमा को लेकर के रुकमणी जी प्रतिदिन अब उनके अर्चन पूजन में लग जाती है। कि मानसिक चित्र चित्रण करते, मानसिक चित्र चित्रण करते मोहन गले लगाती है, प्रेम के साथ पूजन करते साथ पूजन करते फिर के शरत फिरते सोते जागते हर वक्त भगवान का गुणगान करती हैं। धीरे धीरे और समय बीतता गया, सखियों में चर्चा छिड़ जाती है तो भगवान कृष्ण की ही बातें किया करते हैं रुक्मणी जी, जो और बड़ी हुई कि बेटी ब्याह के योग्य भई उस कारण बढ़ता जाता है, बेटी की वह का चार चंद्रो मेरे सिर पर चढ़ता जाता है। अब हमारी बेटी रुक्मणी बड़ी हो गई है, अब हमें कहीं अपने बिटिया के पहले हाथ कर देना चाहिए। तो अपने पांचों पुत्रों को महाराज भीष्मक ने बुला करके बिठाया और कहने लगे, ये हमको बताओ मेरी बेटी के लिए सुंदर अगर वर होगा तो कौन होगा। तो बारी बारी से राजाओं के नाम बताए जाने लगे। तो एक अगर गुण का बखान करता है तो दूसरा ऐब बताने लगता है, अवगुण बताने लगता है। तो ऐसे चर्चा घंटों होती रही। धीरे धीरे समय बीता, अंत में अपनी बात रुक्मी ने कही, पिताजी कि रुक्मी वीर ने अंत में कहा हृदय का हार, पिता रुक्मणी योग्य है तो नृपाल शिशुपाल। उसने अपने हृदय की बात बताई, पिताजी अगर हमारी बहन के लायक सुंदर वर है तो चंदेल देश का राजा दमघोष का पुत्र जिसका नाम है शिशुपाल, वो है कौन? श्री कृष्ण के सगे बुआ का लड़का। और रिश्ते में हमारा कौन लगता है? सगा साला, रिश्तेदार भी है। और ये रिश्तेदार की बात तो छोड़िए, दिक पाल पालो सूर शश भी उससे झुक करके
भी अच्छा, बल भी अच्छा, धन वैभव में कोई कमी नहीं है। दिक्पाल नृपाल सूर शशि, यानी सूर चंद्रमा इंद्र आदि देवता सबसे झुके चलने वाले हैं। अगर कहीं ऐसे के साथ में सगाई हो जाए तो हम कितने खुश हों। हमारी बहन धनवान के घर में गई तो बड़ा अच्छा रहेगा पिताजी, हमारे साले के साथ अगर शादी कर दो बेटी की। तो पहले तो महाराज भीष्मक अंश नहीं कर दे, तो सबसे छोटा वाला भाई रुक्मणी का कहता है, पिताजी हमारी भी बात सुनो, अगर हमसे कोई भूल से अपशब्द निकल जाए तो आप कृपा करके हमको क्षमा कर देना। तो रुक्मी का छोटा भाई क्या बोला, पिताजी मेरी बहन के लिए चाहे नर कहो, चाहे नारायण कहो, चाहे श्री कृष्ण कहो, चाहे जगतपति कहो, अगर सबसे सुंदर वर होगा तो दिल दूल्हा वो कन्हैया होगा, अगर कन्हैया के साथ में शादी कर दी जाए अति उत्तम रहेगा। और जब कन्हैया का नाम सुना तो मानो एकदम से उसका खून खोल गया, खून खोल गया रुक्मी का। खामोश रुक्मवीर, अब उस कन्हैया का नाम नहीं लेना, तुम्हें मालूम उसके पीछे क्या वजह है। भिखमंगा है वो, नंगा है, जिसके बाबा ने कमरिया को छोड़ के दूसरी कमरिया ने खरीदी हो, और जिसकी मैया जीवन भर दूध दही मत मत के गुजारा करती आई हो, बेचारा इधर उधर छीन झपट के माखन आखन खा के गुजारा करता चला आया हो, तो उससे हम अपनी बहन की शादी करके नाक कटवा ले। कि 16 साल तक नंद के घर गैयन से गुजर चला न रहा, गैयन से कहीं इसका झूठा माखन तो कहीं उसका बासा रखा हुआ, बेचारा ऐसे खा खा के बस अपनी बसर कर रहा है। और सुनिए, पहले था नाम नंद नंदन, अब वासुदेव कहलाना है वासुदेव, जग में प्रभुताई है। पहले नंद नंदन कहते थे, वासुदेव कहां जाने लगा, कहां जन्म हुआ, कहां पालन पोषण हुआ, बेचारा मारा मारा घूमता रहा, कभी नंद नंदन कहलाया तो कभी वासुदेव, ये भी ठीक नहीं, वो वास्तविक बालक किसका है, नंद का है कि वासुदेव का है। ऐसे कहीं उस मलेच्छ के साथ बहन की शादी हो गई तो नदी बह जाएगी खून की, तलवारें चल जाएंगी,
हम ऐसे के साथ अपनी बहन की कदापि शादी नहीं कर सकता हूं। सब एकदम जैसे सभा में सांप सूंघ गया हो, किसी के मुख से कोई शब्द ही नहीं आया। सन्न सभा में छा गई, निकल न सकी जवान। वही कीर्ति शिशुपाल की करने लगा बखान। चंदेरी के भूपी को और टीका दो पठवा, वहीं बुला कर विप्र को लगन दई ठहरा। बोलो कोई भी अब आगे नहीं हाथ बढ़ाएगा, हम अपनी बहन की शादी करेंगे, ऐसे घर में करेंगे जहां मेरी बहन जाएगी, हमेशा अपने भैया को आशीर्वाद देगी। जब मेरी बहन सुखी होगी तो हमारा भी हृदय शीतल होगा। अच्छा, चंदेरी के भूप को नाई नेगी के द्वारा उसने तिलक पहुंचा दिया। हम अपने साले शिशुपाल के साथ ही शादी अपनी बहन रुकमणी की करूंगा। अब उसके आगे किसी की चलने वाली नहीं थी। महाराज भीष्मक भी चुपचाप बैठे हुए, अन्न भाई भी नहीं कुछ कह सके। जब नाई नेगी शिशुपाल के पास तिलक लेके गए सज्जनों, तो उसका साला शिशुपाल बड़ा खुश हो गया कि देखिए हमारे जीजा ने हमारे साथ बड़ा अच्छा कर दिया, जो अपनी बहन की शादी हमारे साथ करने जा रही है। अब अगर कहीं हमारी शादी हो गई रुक्मणी के साथ में, अब हम दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, वो हमें जीजा कहेंगे, हम उन्हें जीजा कहेंगे, और जीजा जीजा जब एक दूसरे को बोला जाएगा तो भैया कितना अच्छा लगेगा। एक बात और बताऊं, जीजा शब्द एक ऐसा है परीक्षित जी, जिनके अगर प्राण निकल गए हो, अगर तुमने कह दो जीजा जी, जनो जी गए, हाँ हर बात पे जी जात। जैसे हमको एक बात याद आई कि एक दादा